हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आइए जानते हैं कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे, लेकिन धीमे धीमे। आज के पार्ट में हम जानेंगे सिर्फ कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन और हम जानेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में या स्फेरिकल कैपेसिटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा बोर्ड पर, वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो है हेडिंग बनाना। तो हम लोगों ने बनाई एक हेडिंग। ठीक, अब भाई क्वेश्चन इसमें ये आता है कि सर कैपेसिटर चीज़ क्या है, कैपेसिटर होता क्या है? कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो हमें दिखाई देगी, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप की होती है? इसके कई सारे शेप होते हैं, स्फेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, प्लेन प्लेट कैपेसिटर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैपेसिटर के टाइप्स होते हैं, इतने टाइप के ये कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, दूसरा हमारे सिलेबस में है प्लेन प्लेट कैपेसिटर्स है, और तीसरा जो हमारे सिलेबस में कैपेसिटर है वो कौन सा है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अब बात आती है कैपेसिटर चीज क्या है, किस तरह से इसके फंक्शन होते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, तो वो सब धीमे धीमे अपन जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो जानते हैं सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज और एनर्जी को स्टोर करके रखता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है चार्ज को और एनर्जी को। एनर्जी को स्टोर तो करता है, बट किस फॉर्म में? भाई एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, या किसी फॉर्म में होगी एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। किस तरह से करता है, इसके फंक्शंस क्या है, देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई एक कंडक्टर होगा, अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे, कंडक्टर का जो, जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम एक इंसान है, ठीक है, तो हमारे लिए एनर्जी कहाँ से हमको मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। उसी तरह से जो कंडक्टर है उसका खाना क्या होता है? उसका खाना होता है चार्ज। कंडक्टर को आप जितना ज़्यादा चार्ज देते जाएंगे, वो उतने ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल का मतलब आप जानते हैं, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की एबिलिटी, किसी कंडक्टर की एबिलिटी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि फलाने चीज़ में, फलाने व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब है कि कोई काम करने की कितनी पावर है उस बंदे में। ठीक है, उसी तरह से कंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है, हम कंडक्टर भी कह सकते हैं कैपेसिटर को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, उसको हमने चार्ज दिया, तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर हम कंडक्टर को चार्ज नहीं देंगे तो उसका पोटेंशियल जितना था उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। और अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं देंगे तो उसका पोटेंशियल भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि क्यू प्रपोर्शनल टू वी है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो प्रपोर्शनल आया है, इसको हटाने से एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या चीज होता है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस। वैसे है क्या, ये कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया होगा इतना आपको। तो हुआ क्या है, जब हमने किसी कंडक्टर को चार्ज क्यू दिया है तो उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया, चार्ज बढ़ा यानी पोटेंशियल बढ़ा, तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया सी। सी को बोल दिया हम लोगों ने कैपेसिटेंस, या फिर यही क्या होता है, इसी को कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इसी कॉन्स्टेंट का जो नाम है उसका नाम क्या होता है, कैपेसिटेंस नाम होता है। अब कैपेसिटर है तो उसको अगर हम किसी डिवाइस में लगाते हैं, जैसे मान लो पंखा है, पंखे में कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। पंखे में कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर की ऐसे डिब्बी टाइप की होती है, वही तो होता है कैपेसिटर, या उसी को हम कंडेंसर भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो कैपेसिटर है या कंडेंसर है, हम उसको लगाते क्यों हैं, उसका यूज़ क्या है? देखो, होता क्या है, कोई भी काम करना या कोई भी काम स्टार्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे आप जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर जब आप पढ़ाई करने लगते हैं तो फिर वो एक चीज़ रूटीन में बन जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो वही चीज़ है कि
किसी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो एनर्जी आती कहाँ से भाई, जो कैपेसिटर है उसने पूरी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है, और जैसे ही ज़रूरत पड़ी पंखे को उसने फचाक से पूरी एनर्जी निकाल के दे दी, डोनेट कर दी, पंखा चल पड़ा। तो वही चीज़ है, किसी काम को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे कैपेसिटर से हम सॉल्व कर सकते हैं। पंखे को चलाना है, मोटर चलाना है, या कूलर चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो उसमें हम एक कंडेंसर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं उसको। तो वो करता क्या है, अपने अंदर उसने जितनी भी एनर्जी को स्टोर किया था वो सब की सब एनर्जी फचाक से एक बार में डोनेट कर देता है, जिससे वो चल पड़ता है, ठीक है। अब होता क्या है कि Q प्रोपोर्शनल टू V तो हो गया, और Q इज इक्वल टू C इनटू V भी हो गया। अब बात आती है इस कैपेसिटर की, ये कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। तो कैपेसिटेंस जो है ना ही वो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई कहता है कि हमने चार्ज को बढ़ा दिया जिससे कैपेसिटेंस बढ़ गया, हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया जिससे कैपेसिटेंस घट गया, तो आप समझ जाना वो बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है। देखो फॉर्मूले से तो हमें दिखाई दे रहा है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, बट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन गिवन चार्ज एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल सिंपल सी बात है भाई। कहने का मतलब क्या है कि जो भी कैपेसिटेंस है ना ही वो डिपेंड करता है गिवन चार्ज पे, और ना ही वो डिपेंड करता है इंक्रीज इन पोटेंशियल पे। कहने का मतलब क्या था मेरा कि आप किसी कंडक्टर को या किसी कैपेसिटर को आप कितना भी चार्ज दे दो तो वो उसका क्या बढ़ाएगा, पोटेंशियल बढ़ाएगा, ना कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ाएगा। अब कैसे सर, ये अभी मजा नहीं आ रहा इसमें, अभी सब समझ नहीं आ रहा। तो देखो सुनो, कैपेसिटर बनके तैयार हुआ, उस पे लग गया ठप्पा कि तुम्हारा कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है, बात समझ में आ रही भाई। जैसे कोई भी एक रेजिस्टर है, जैसे आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ में बताया जाता है V प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनल हटा के कॉन्स्टेंट लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब जो रेजिस्टेंस है वो तो हर एक मटेरियल का फिक्स है ना, मटेरियल बनके तैयार हुआ उसका रेजिस्टेंस भी बिल्कुल फिक्स हो गया। वैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस का काम होता है, कैपेसिटर बनके तैयार हुआ उस पर एक ठप्पा लग गया कि भाई तुम्हारा कैपेसिटेंस इतना है, तुम्हारा कैपेसिटेंस इतना है। अब आप उस पर चार्ज को बढ़ाओ, आप उस पर पोटेंशियल को बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं। कैपेसिटेंस कह रहा भाई मुझे मतलब नहीं है, तुम चार्ज बढ़ा लो मेरे ऊपर, तुम पोटेंशियल बढ़ा लो मेरे ऊपर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो कैपेसिटेंस है वो उतना ही रहेगा, मैं नहीं बढ़ने वाला। तो वही चीज यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम होती है ओम्स लॉ में। आप यहाँ पोटेंशियल को कितना भी जब बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका इफेक्ट जो है वो करंट पे पड़ेगा, ना कि रेजिस्टेंस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अरे यार प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कभी किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है तो वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ना कि वो इन चीज़ों पर डिपेंड करने लगेगा। अगर वो इन चीज़ों पर ये डिपेंड ही करता है, जैसे आर है, अगर वो वी और आई पे डिपेंड करना ही होता तो फिर आर को कॉन्स्टेंट क्यों बोलते, सीधी सी बात है। वैसे यहाँ पे है कि अगर कैपेसिटेंस को चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करना ही होता तो फिर यार यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो कॉन्स्टेंट थोड़ी ना होता, जो ये कॉन्स्टेंट बोला है तो कॉन्स्टेंट है ही। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कभी चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके अब बढ़ते हैं आगे, तो इतना नोट हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब बात आती है इसके यूनिट की, इसकी क्वांटिटी ये कैसी है वो सब देखते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है हमारा वो उसका यूनिट देखो क्या होता है। यहाँ से जब आप यूनिट निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चार्ज के यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। वोल्टेज या पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट, या फिर इसी का एक नाम और होता है शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड, इसको एफ से शो किया जाता है, ठीक है। ओके तो किसी भी चीज का, जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर का जब हमें कैपेसिटेंस निकालने को बोला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, जो कि है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है
हमें बस इसकी कैलकुलेशन करना है, इस फॉर्मूले में हमें वी की वैल्यू रखना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कैपेसिटेंस किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास यही मात्र फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, हमें वी निकाल के यहाँ पे रखना है तो हमारा काम हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस जो है वो चीज़ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया होगा इतना आपको। जो कैपेसिटेंस है वो एक तरह की डिवाइस होती है, जो करता क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर। किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। क्लियर हो गया होगा इतना आपको। ओके, अब देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें मैंने यूनिट बता दिया था, और इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि अगर इसकी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो जो कैपेसिटेंस है वो किस तरह की क्वांटिटी है, तो यार तो कॉमन सेंस वाली बात होगी ना, कैसी क्वांटिटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, स्केलर क्वांटिटी है यार, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है तो स्केलर तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर सकते हैं कि ना। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब बात आती है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब हमें निकालना है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो स्फेरिकल कंडक्टर तो यार फैमिलियर चीज है, आप लोगों ने सुना भी होगा, और मैंने वीडियोस में बताया भी है कि स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास मान लिया कि ये कंडक्टर है। अच्छा, इसका शेप कैसा होगा स्फेरिकल कंडक्टर का, ऑब्वियस सी बात है सर, कैसे बातें करते हो आप, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही होगा ना शेप। तो कंडक्टर में जो भी चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, और ये हो गई इसकी रेडियस कैपिटल आर। हमारे इसका जो निकालना है वो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है सरफेस पे वो क्यू चार्ज है। अब इस फॉर्मूले में हमें वी निकालना पड़ेगा, पहले वी हम यहाँ पे रख देंगे, कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। अब वी कैसे निकालेंगे, याद कर चुके ना, स्फेरिकल शेल कह दो या स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब कुछ निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो V है वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0qr। ये कौन सा वाला केस है, सरफेस पे जो पोटेंशियल निकाला था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो लिंक दे दूंगा, लिंक कहाँ मिलेगी वो आप सबको पता है। ठीक, तो ये V यहाँ रखेंगे, सो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, 1/4πε0q/R। ये q से q हो गया कैंसिल, नहीं रहा तो c की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा 4πε0r, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जबकि ये फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी बोला था कि कैपेसिटेंस किसी भी चीज़ का हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। कैपेसिटेंस को हम एक तरीके से चेंज कर सकते हैं, मतलब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो सी है वो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब अगर कोई मीडियम आ गया, मान लीजिए कि इसको कंडक्टर को किसी मीडियम में रख देंगे, जैसे पानी में रख दो या कोई भी मीडियम हो, तो यहाँ पे K आ जाएगा। K का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिक कांस्टेंट होता है। तो जब यहाँ पे K आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पे डिपेंड करने लगेगा। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस को आर्टिफिशियली तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर अगर हम चार्ज को बढ़ा दें तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्या सर हम पोटेंशियल को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज़ पे करेगा,
सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करेगा। स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस निकाला है ये किस चीज के लिए है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आर आ रहा है। आर का मतलब क्या है, इसका रेडियस है, यानी जिस स्फीयर का, जिस स्फेरिकल कंडक्टर का हमको रेडियस मालूम पड़ेगा तो उससे हम उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम बात करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस को हमने मान लिया 1 मीटर। 1 मीटर आप समझते कितना होता है, 1 मीटर समझ गया ना कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है 1 मीटर, काफ़ी बड़ा एक स्फीयर बनेगा। तो अगर आप C की वैल्यू 1 मीटर लेके चलते हैं और इसके लिए फिर आप जब कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 × r हो जाएगा। अच्छा भाई, 4πε0 की वैल्यू तो सर आपको पता होगी ना, सबको जो आपको वैल्यू पता है ना वो 1/4πε0 की होती है, वो 4πε0 की वैल्यू नहीं होती है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9×10^9। अरे ये तो पता था, अरे पता तो था, गलती करते हैं लेकिन बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 4πε0 1/9×10^9 रेडियस हमारे पास 1 है, तो ऑब्वियसली बात है 1×1 1 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9×10^9 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी पावर 10। अब 9 का डिवाइड करना है तो 9 का 9 बन जाए 9, 1 9 बन जाए 9, तो 1.1×10^10। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -10 फराड, यानी कैपेसिटेंस जो है 1 मीटर रेडियस का, 1 मीटर रेडियस, इतना बड़ा स्क्वायर जो हम लोगों ने लिया, इतना बड़ा स्क्वायर, तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना स्मॉल आया, देखो आप कितना वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस मिला है। यानी जो C है उसकी वैल्यू आई है 1.1×10^-10 फराड। समझ रहे ना आपको, इसका मतलब है कि इतने बड़े स्फीयर की जो हमने कंडक्टर माना था उसका कैपेसिटेंस मात्र इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम करना क्या है देखो आगे, अगर हम मान के चलते हैं कि एक हमने स्फीयर लिया जिसकी रेडियस है 9×10^9 मीटर, इतना बड़ा है स्क्वायर, ये तो आप समझ ही गए होंगे, 9 के आगे 9 0 और लगा दो, इतना बड़ा है स्क्वायर हमने लिया है रेडियस का, उसका कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यही फॉर्मूला है 4πε0 × r। तो इसकी वैल्यू वन में 9×10^9 और रेडियस है 9×10^9, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस जो आया वो कितना आ चुका है हमारे पास, 1 फैराड आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हमने इतना बड़ा स्फीयर लिया तब जाके उसका कैपेसिटेंस हमें मात्र इतना मिला है। तो स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ा स्फीयर लेते हैं, तब जाके हमको मात्र 1 फैराड का कैपेसिटेंस उसका मिलता है, ठीक है। अब इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर या इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेना कोई आसान बात तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़े साइज का है। तो इसमें स्फेरिकल कंडक्टर में यही प्रॉब्लम थी कि जब हम बहुत बड़े साइज का कैपेसिटर या कंडक्टर लेंगे तब जाके उसका कैपेसिटेंस हमको 1 फैराड मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि हमें कैपेसिटेंस भी अच्छा मिलता रहे और हमें इतने बड़े स्क्वायर की जरूरत भी ना पड़े, तो इसके लिए बनाया गया, साइंटिस्ट वगैरह ने बनाया प्लेन प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो प्लेन प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो इसको ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग अच्छे से रहें। थैंक यू।